अंबिकापुर कलेक्ट्रेट दफ्तर में ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो राजनीति में बिरले ही देखने को मिलती है। प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जब अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उसी वक्त उनके खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे बीजेपी के उम्मीदवार राजेश अग्रवाल से उनका सामना हुआ। बीजेपी नेता ने टीएस सिंहदेव के पैर छुए तो सिंहदेव ने भी उन्हें आशीर्वाद देने में कोई कोताही नहीं बरती। इस भेंट पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरा सभी सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी दल और विचारधारा से हों, मैं भी किसी से कोई भी वैमनस्यता नहीं रखता हूं। करीबी तो भाजपा के भी सब है, जितने यहां साथी रहे हैं उनसे दुराव कहां था। पार्टियां अलग अलग है, विचार अलग अलग है। ये कांग्रेस पार्टी में थे, अभी उधर हैं कुछ लोग, बीजेपी में थे, कांग्रेस में आते हैं, ये सिलसिला एक चला रहता है। और जहां तक संबंध का है, इनसे ही कोई संबंध की बात नहीं थी। भाजपा में किससे संबंध खराब? आज जो उम्मीदवार नहीं भी बने हैं तो ना मैं कभी चाहता हूं कि संबंध किसी से ऐसे खराब हो, क्योंकि हम राजनीति में अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के माध्यम से पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। दुराव कहीं नहीं है, सब में सबसे मुझे अपनापन मिला। और वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट इस बार किस तरफ